हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक हमारा कोर्स। माय नेम इज अब सिक्स वन ऑन दिस सीरीज ऑफ मेडिकेशन रिव्यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक छोटी सी चीज़ के बारे में जो हर घर में हर पिलो के नीचे अवेलेबल रहती है, इसका नाम है विक्स वेपोरब। तो हम लोग इस वीडियो में विक्स वेपोरब के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, केमिकल कंसिस्टेंट के साथ साथ उसका यूज कैसे यूज करना सही तरीका है, कितना यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हम उसके बारे में पूरी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले विक्स वेपोरब इसका नाम क्या है, इसका नाम का मतलब क्या है। विक्स तो इसका नाम हो गया, ठीक है, लेकिन वेपोरब का मतलब क्या हो। वेपोरब मीन्स आप इसका वेपर भी ले सकते हो, साथ में इसका रब भी कर सकते हो, मीन्स डायरेक्टली रब करके भी यूज कर सकते हो, या फिर इसको वेपर ले सकते हो। तो वेपर कैसे ले सकते हो, तो हल्का सुसुम पानी गर्म करके थोड़ा सा निकाल के उसमें डाल के मिला के उसका जो भाप होता है, आप उसके टॉवल से सर ढक के उससे भाप ले हुए, तो आपका ये जो स्पाइसिन प्रॉब्लम है सर्दी खांसी का वो आराम मिल जाता है। ठीक है, सर्दी के सर दर्द के साथ साथ चेस्ट में दर्द है तो भी आपको ये राहत देता है। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये जो विक्स वेपोरब है हम लोग सर्दी के 6 लक्षणों से हमें प्रोटेक्ट करता है। क्या, ब्रीथिंग डिफिकल्टी में सांस लेने में जो प्रॉब्लम है उसमें, बॉडी एक मतलब कि जो हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम है चेस्ट में प्रॉब्लम है उससे हमें दर्द से आराम दिलाता है। कफ है तो उसमें कफ के टाइम में भी ये यूजफुल होता है। ब्लॉकिंग नोज, अगर नाक बंद है तो आप विक्स लगा लेते हो उसके ऊपर, या नाक कैन डाल लेते हो तो, या सूंघ लेते हो तो उससे क्या होता है हमारे नाक ब्लॉकेज है उसको ठीक करता है। अगर आपको सर में दर्द हेडेक है तब आप विक्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको भी ये राहत देता है। ठीक है, उसका मस्कुलर स्टिफनेस मीन्स जो नाक मसल्स है इस नाक का मसल्स है वो स्टिफ जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है, तभी आप जो क्लोज होता है क्या इन्फ्लामेशन की वजह से उसको भी धीरे धीरे करके ओपन करता है। तो विक्स हमारा बहुत काम का चीज़ है। अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो परचेज कर ले कि सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है, तो यह भी कॉमन बात है विक्स का होना और इसका यूज करना। ठीक है, ये आपके 5 मिनट में ही इसको आपको सर्दी से राहत देती है। विक्स में आपका कोई भी केमिकल कंसिस्टेंट नहीं रहता, ये एक फुल्ली ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल है। ठीक है, इसमें हमें जो केमिकल में जो प्रेजेंट होती है वो पुदीना होती है, कपूर होती है, नीलगिरी का तेल होती है, और साथ साथ में थोड़ा सा तारपीन का तेल होता है, या फिर तारपीन के साथ साथ जटाफल का भी वाइल होता है। तो ये सब तेल डाल के ही ये विक्स वेपोरब बनाया जाता है। पुदीना मीन्स क्या हुआ, मेंथा पिपरिटा पुदीना केमिकल कंसिस्टेंट है, कपूर पाइनस ऑक्सबुडी, नीलगिरी का हो गया यूकेलिप्टस वाइल, तो ये सब ही केमिकल कंसिस्टेंट है इसका विक्स का। यही है विक्स वेपोरब मिनी पैक। ठीक है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन पीछे में लिखी हुई है और साथ में यहाँ पे इसका जो प्राइस है, प्राइस, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वो सब प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो वेपोरब है, ये जो विक्स है, ये एल्डर लोगों के लिए है। ठीक है, मीन्स आप छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल से नीचे उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए एक अलग सा ही विक्स का भी बेबी पैक आता है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि हर डोज में अलग अलग बनाया गया है, इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूकेलिप्टस वाइल प्रेजेंट होता है, नीलगिरी तेल होता है, तो आप लोग इस बच्चे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। एट लास्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून, थैंक यू।